हैं, पहले हमने क्या एप्लीकेशन की, एक लाइन चार्ज की, फिर हमने क्या किया, ई ड्यू टू शेल, अब ई ड्यू टू सॉलिड स्फेयर, सॉलिड स्फेयर के अंदर चार्ज उसके अंदर भी है जो डायग्राम में दिख रहा है, तो एक बात तो गारंटेड है कि ये सॉलिड स्फेयर कंडक्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कंडक्टर होगा तो चार्ज सरफेस के ऊपर आ जाएगा, तो पक्की बात है कि ये स्फेयर क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा। तो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, वॉल्यूम के अंदर चार्ज है, और आपको ई की वैल्यू बतानी है, फिर से एक बार सॉलिड स्फेयर के बाहर, सॉलिड स्फेयर के ऊपर, सॉलिड स्फेयर के अंदर, सेम क्वेश्चन है। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मॉल, और हाँ चार्ज कितने वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4/3 पाई कैपिटल R³। तो यहाँ पर 4/Q/4/3 पाई कैपिटल R³। तो हम इसमें डेंसिटी क्या यूज करेंगे, रो, क्योंकि सिग्मा का मतलब सरफेस के ऊपर, रो का मतलब वॉल्यूम के अंदर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ये यूज करेंगे हम, और ये इंपॉर्टेंट है कितने वॉल्यूम के ऊपर, 4/3 पाई कैपिटल R³ के ऊपर। तो इसके अंदर पहला केस है स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो सबसे पहले ये मान लो एक सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज है और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। मुझे स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई निकालना है। रूल नंबर वन, जहां ई निकालना है वहां क्या कंसिडर करनी है, गॉशियन सरफेस। तो ये डी एस गॉशियन सरफेस है। तो स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, ये भी ये भी ये भी ये भी, अंदर बाहर हर जगह सभी गॉशियन सरफेस को जब मिलाएंगे तो क्या बन के आएगा, एक इमेजिनरी स्फेयर, जिसका कलर मैंने फिर से रेड रखा है। रेड का मतलब है ये इमेजिनरी है, प्लीज। ठीक, रियल स्फेयर ये है, ये इमेजिनरी है। तो गॉशियन स्फेयर इमेजिनरी है, इसका फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, डीएस तो बाहर की तरफ हो गई होगा, प्लस वन रख के देखते हैं, प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बाहर निकलेंगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ई और डीएस में एंगल फिर से कितना, जीरो। तो इस रेड कलर के स्फेयर का फ्लक्स क्या होगा, स्मॉल ई डी एस कॉस जीरो, ये इसका फ्लक्स है। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन, ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, इस डीएस 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 को मिलाएंगे तो सरफेस एरिया क्या आएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये डीएस रेड कलर की सरफेस का है तो एरिया भी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? ठीक, हाँ मैं बोलने लगा था, अब आपने पहले बोल दिया। जो डायग्राम पहला बनाना उसके ऊपर का चार्ज हटा दो प्लीज, वॉल्यूम के अंदर बनाना है। नहीं मैंने गलती से बना दिया, वो नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं आएगा, सरफेस के ऊपर नहीं है एक्चुअल में, वो वॉल्यूम के अंदर है, वो गलती से ऊपर भी बन गया। तो एक्चुअल में वो ये कह रहे हैं कि मैंने ऊपर ये चार्ज बना दिया, एक्चुअल में वो तभी सेकंड फिगर में वो ठीक अंदर चल रहा है, सेकंड फिगर में अंदर ही है, वॉल्यूम के अंदर एक्चुअल, राइट। तो रो के साथ काम करेंगे, मैं फ्लो करने वाले करेक्शन करवाऊंगा, उसे पहले ही पॉइंट आउट कर दिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो स्मॉल फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस, ये पॉइंट समझ में आ गया। फ्लक्स, अब क्योंकि ये क्लोज बॉडी है और गॉशियन सरफेस है, तो गॉस ने क्या कहा, मेरी गॉशियन सरफेस का है रेड कलर की, बोलता है कि इसके अंदर कितना चार्ज है, फ्लक्स निकालने के लिए, इसका अंदर ये तो एयर है, इसके अंदर सिर्फ मुझे ये चार्ज दिख रहा है बस, बस कितने वॉल्यूम में बोलो, 4/3 पाई कैपिटल R³ वॉल्यूम के अंदर। तो क्यू इनसाइड की जगह क्या पुट करेंगे, रो, रो का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, को अंदर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जहां चार्ज पड़ा हुआ था, तो ये वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें? तो आपने फ्लक्स ई डॉट डी एस से निकाला, फ्लक्स आपने क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से निकाला, दोनों फ्लक्स को आपने इक्वेट कर देना है। जब आपने ये देखो ये इक्वेट किया तो 4 पाई से 4 पाई क्या आ गया, कैंसल, ई की वैल्यू आ गई। ये फॉर्मूला भी आपने याद करना है, याद कर लो इसे, रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, याद करने का तरीका, रो तो आना ही आना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जो ई होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर होता है, तो यहां स्मॉल आर स्क्वायर ही आएगा, है ना, स्फेयर के बाहर। फिर क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट के साथ इसकी पावर कैपिटल आर की 3 लगानी है और यहां भी नंबर 3 आएगा, 3 3
मैंने ऐसे याद किया हुआ है, रो और कैपिटल आर क्यूब, तो नीचे 3 लगेगा, 3 एप्सिलॉन नॉट, और स्मॉल आर स्क्वायर तो आएगा, अपने अपने तरीके हैं, जैसे मर्जी कर लो, पर फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, बस आएगा क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन में भी आएगा, नीट में, मेन्स में और एडवांस में तो पक्का सॉलिड स्फेयर आएगा, और फाइनली फिर जो आपका एनसीईआरटी है उसमें तो प्रूफ ही आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ई का फॉर्मूला कहाँ पर आ गया? सॉलिड स्फेयर की वजह से कोई जब पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा? आउटसाइड द सॉलिड स्फेयर। कोई डाउट इसमें? ठीक बोलो, हर जगह। फिर मैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूंगा? वो कंडक्टर होगा तो चार्ज अंदर रुकेगा नहीं, बाहर आ जाएगा, वॉल्यूम के अंदर चार्ज नहीं, ई जीरो हो जाएगा, कंडक्टर के अंदर ई जीरो होता है ना, चार्ज ही नहीं मिलेगा। हमने किया था ना फर्स्ट लेक्चर में, चार्ज बाहर भाग आएगा तो अंदर ई ढूंढोगे, ई मिलेगा नहीं, कंडक्टिंग स्फेयर्स में ई जीरो होता है अंदर, कंडक्टर के अंदर ई नहीं होता। नेक्स्ट केस है इसी में, ये वैल्यू कहां पर आई? जब कोई पॉइंट सॉलिड स्फीयर के बाहर है स्मॉल आर डिस्टेंस पे। अगर कोई पॉइंट सॉलिड स्फीयर के ऊपर है तो पुट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले में छोटे आर की जगह बड़ा आर कैंसल, ई का फॉर्मूला याद करें, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये ई की क्या आ गई? वैल्यू। तो सॉलिड स्फीयर के इनसाइड सॉलिड स्फीयर के ऊपर ई आ गया। नेक्स्ट, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड, अब अंदर चलते हैं और ई की वैल्यू निकालते हैं। अब ई जीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अंदर बहुत सारा चार्ज प्रेजेंट है, वो ई लगाएगा। तो क्या करना है इसमें? तो यहां पर ये एक सॉलिड स्फीयर है आपका एक्चुअल, आप और कैपिटल आर रेडियस का, आपने स्मॉल आर डिस्टेंस दूर ई निकालना है, तो ये रहा वो पॉइंट जहां पर ई निकालना है। तो यहां पर गॉसियन सरफेस स्मॉल आर पे यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी और यहां भी, सभी गॉसियन सरफेस को मिलाएंगे, गॉसियन स्फीयर बन जाएगा इमेजिनरी। इस बार गॉसियन स्फीयर बाहर नहीं बना, अंदर बना, क्योंकि हमें ई कहां निकालना है? इनसाइड निकालना है तो अंदर बनेगा, आउटसाइड निकालना है तो आउटसाइड बाहर बनेगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो एक बार फिर से, ई वेक्टर बाहर की तरफ लाइंस निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर तो होता ही बाहर की तरफ है, तो ई और डीएस में एक बार एंगल फिर से कितना? जीरो। तो स्मॉल फ्लक्स आ गया रेड कलर की सरफेस का, टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन रेड कलर की सरफेस का, रेडियस क्या है? स्मॉल आर, तो इसका सरफेस एरिया कितना है? 4π स्मॉल आर स्क्वायर। तो मैंने जान के रेड पेन यूज किया ताकि रेड कलर की सरफेस का क्या आ गया इसमें? एरिया पुट किया। कोई डाउट इसमें? तो फ्लक्स की वैल्यू इनसाइड रेड कलर की इमेजिनरी गॉसियन सरफेस की इसके इक्वल आ गई। ठीक, अब गॉस थ्योरम क्या कहती है? अगर आपको फ्लक्स निकालना है
इसका फ्लक्स निकालना है, तो उस केस में ये बताओ कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है। अब गॉसियन सरफेस का कलर क्या है? रेड। उसके अंदर मेरे को सिर्फ इतना चार्ज नजर आ रहा है बस। कितने वॉल्यूम में बोलो? 4/3 pi स्मॉल आर क्यूब। अब बड़ा आर नहीं, क्योंकि बड़ा आर लेंगे तो पूरा चार्ज हो जाएगा, स्मॉल आर लेंगे तो सिर्फ ये हो जाएगा। ठीक, तो इतने पोर्शन में चार्ज कैसे निकलेगा? रो, रो का मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें जिसमें चार्ज निकालना है, और कितना वॉल्यूम? 4/3 pi स्मॉल आर क्यूब। फर्क समझ में आ रहा है? जब हम पिछला एक्सप्रेशन कर रहे थे आउटसाइड वाला, जब सेम क्वेश्चन किया हमने गेरा, तो जब मैंने क्यू इनसाइड पुट किया था तो मेरी गॉसियन सरफेस बाहर थी, और इसके अंदर पूरे का पूरा चार्ज है जो कि 4/3 pi कैपिटल आर क्यू वॉल्यूम पे है। तो मैंने पूरा का पूरा वॉल्यूम पुट किया क्योंकि मेरे को पूरे का पूरा चार्ज लेना है। लेकिन अब इस केस में मेरे को पूरे का पूरा चार्ज नहीं लेना, मेरे को सिर्फ अंदर का ये वाला चार्ज लेना है, तो मेरे को वॉल्यूम भी सिर्फ ये यूज करना है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो फ्लक्स और फ्लक्स को इक्वेट करें, 4π 4π आर कैंसल, तो ई की वैल्यू आपके पास इसके इक्वल आ गई। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, रो स्मॉल आर बाई 3 ε0। क्लियर है यहां तक? तो तीन फॉर्मूला याद रहेंगे, सॉलिड स्फीयर के बाहर, सॉलिड स्फीयर के ऊपर, सॉलिड स्फीयर के अंदर, ई की वैल्यू का ये फॉर्मूला है। ठीक, गुड डाउट इसमें। अब नेक्स्ट है, इसके अंदर मैंने ये तीन केस फिर से लिख दिए। सॉलिड स्फीयर के बाहर छोटे आर डिस्टेंस दूर फॉर्मूला, रो बाय 3 ε0 आर क्यूब बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और इसके ऊपर सरफेस के ऊपर कैपिटल आर, और ऐसी अगर हम इनसाइड जाएंगे तो फॉर्मूला रो स्मॉल आर बाय 3 ε0। तीन ई के फॉर्मूले याद कर लिए। अब बाय चांस किसी क्वेश्चन में रो ना गिवन हो, क्यू गिवन हो, कोई बात नहीं, क्यू की फॉर्म में भी आ जाएगा। जो रो होता है, रो डेंसिटी किसकी? पूरे स्फेयर की। पूरे स्फेयर पे कितना चार्ज है? क्यू। कितने वॉल्यूम के ऊपर? 4/3 pi कैपिटल आर क्यूब। तो रो की जगह पुट कर सकते हैं क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 pi कैपिटल आर क्यूब। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसल। r³ से r³ भी क्या हो गया? कैंसल। आंसर फिर घूम फिर के वही आ गया जो शेल का आता था। तो अगर आप फॉर्मूला भूल गए हैं और आपको क्यू चार्ज गिवन है एक सॉलिड स्फेयर की वजह से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर, ई का फॉर्मूला 1/4 pi ε0 q/r² एप्लीकेबल है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो आपके पास सेम फॉर्मूला आएगा। उसी तरीके से सरफेस के ऊपर डेंस, ये फॉर्मूला था डेंसिटी की जगह चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, कैंसिल करोगे तो आपका वही फॉर्मूला आएगा q बाय, लेकिन यहां पर कैपिटल आर स्क्वायर। जब बाहर निकालना है तो स्मॉल आर स्क्वायर, और जब इसके सरफेस के ऊपर निकालना है तो कैपिटल आर स्क्वायर। मैक्सिमम होता है e की वैल्यू सरफेस के ऊपर। फिर नेक्स्ट केस है इनसाइड, तो ये बताओ कि क्या मैं इसमें रो की जगह पुट कर सकता हूं q बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 pi कैपिटल आर क्यूब? क्यों इसमें क्यों नहीं पुट कर सकता इसमें? क्या? क्योंकि जब हम इनसाइड काम करते हैं तो फिर सिर्फ इनसाइड का ही वॉल्यूम लेते हैं बस, हमें से कोई मतलब नहीं कि बाहर कितना चार्ज है। हमारी गॉसियन सरफेस सिर्फ स्मॉलर रेडियस में चलती है, तो हम इसमें फुल चार्ज यूज ही नहीं करते, तो इसलिए इसमें नहीं पुट करना। बाकियों में पुट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम यहां ई निकाल रहे हैं तो भी पूरा चार्ज यूज करेंगे, यहां ई निकालेंगे गॉसियन सरफेस में तो भी पूरा चार्ज यूज करेंगे। तो इसको ऐसे याद करो, इसको भी चलो इमरजेंसी में यूज करेंगे, अदरवाइज तो आपने यही फॉर्मूला याद करने हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो मेन तीन फॉर्मूला प्रूव हो जाएंगे। और अगर आप देखो, बोलो, वॉल्यूम में है ना, अंदर, फिर सिग्मा कैसे कंसिडर करेंगे यार? सिग्मा की प्रॉब्लम रहेगी ना, फिर तुम कहोगे सिग्मा भी ले लो, मुश्किल हो जाएगा। ठीक, जरूरत क्या है? मैं तो आते ही नहीं क्वेश्चन, या सिग्मा या रो तक आते हैं, या IIT लेवल भी यार रो और सिग्मा अलग अलग करती हैं, आता ही नहीं। ठीक, तो इसमें ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। अगर हम बाहर ई निकाल रहे हैं
और सरफेस के ऊपर ई कांस्टेंट है और सरफेस के इनसाइड ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो आप चेक कर सकते हो, इसका ग्राफ बनाने को आता है। अगर आप सरफेस के इनसाइड हो तो कैपिटल आर से कम वैल्यू है स्मॉल आर की, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। और अगर आप और ई की वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है मीन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और जब बाहर निकल जाते हो तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये वेरिएशन याद